नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कुछ जो यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वो बैठे हैं धरना स्थल पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं आखिर किन मांगों को लेकर यहाँ पर आप दो दिवसीय धरना कर रहे हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक डेहरी ओन सोन में एज अ गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एज अ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर गया इंजीनियरिंग कॉलेज में और एज अ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में काम कर चुका हूँ। मैम, हमारी दिक्कत ये है कि 2007 से पूरी चीज़ों को मैं विस्तार से बताता हूँ कि हमारा एग्जिस्टेंस आया कैसे, फिर मैं आपको मुद्दे तक लेके चलूँगा। 2007 में जब मुख्यमंत्री का साथ निश्चय प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस समय हर जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाना था। जब ये कॉलेजेस खुले तो उसमें AICTE के मानदंडों को लेते हुए हम सब का ज्वाइनिंग हुआ। हमारे ही नाम पे कॉलेजेस को AICTE से मान्यता दिलवाया गया। कॉलेजेस में पठन पाठन का कार्य हम लोग कराने लगे। पठन पाठन के अलावा परीक्षा का भी काम हम लोग करते थे। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम किए। यहाँ तक हमारे ही बीच के लोग जो हैं वो प्रिंसिपल का भी प्रभार संभाले हैं। और आज दिक्कत हम ये हो रही है मैम कि हमारे ही पदों पर नियमित नियुक्ति निकाल कर हमें अपनी नौकरी से हटाया जा रहा है। तो अपनी नौकरी का हम लोग समायोजन की मांगों को लेकर, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी का समायोजन हो, हमें सिस्टम में लिया जाए। तो समायोजन की मांगों को लेकर हम लोग दो दिवसीय धरना पे यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे अन्य साथी भी हैं, आप उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों को हटाए जाने का कारण क्या है? देखिए मैम, धरना का एक प्रमुख कारण ये भी है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया था कि गेस्ट को होस्ट में परिवर्तित करेंगे। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी कहा था कि गेस्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको नियमित में परिवर्तित किया जाएगा। इनफैक्ट तेजस्वी यादव जी से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि नहीं, आप लोग का नौकरी को मतलब समायोजन किया जाएगा। और सब नेताओं की तरफ से ऐसा था। और आज जो है हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है, आप देख ही पा रही हैं। तो जब हमारी बहाली AICTE के मानदंडों को लेते हुए हुआ है तो हमें सिस्टम में क्यों नहीं लिया जा सकता, हमें समायोजन क्यों नहीं कह सकता, आप ही बताइए। मैं तो साफ तौर से देख सकते हैं जो सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उस पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उसमें वो यहाँ पर धरने पर मौजूद हैं। और क्या कुछ इन्होंने बताया वो आपने सुना, और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या मांग है आप लोगों। मैम, मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए, उसको चलाने के लिए गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की गई। जब सरकार के पास फैकल्टी नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, तो हम सभी अतिथि व्याख्याताओं ने, प्रोफेसरों ने मिलकर कॉलेज को सेटअप किया, स्टार्ट किया। आज जब सभी कॉलेज सेटअप हो गए, स्टार्ट हो गए, पठन पाठन की प्रक्रिया हो गई, प्लेसमेंट होने लगे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अब जा कर के सरकारी नौकरी करने लगे हैं, तब आज हम लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के बाद हम लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी लोग सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोगों का समायोजन किया जाए। इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक साथी, जब उनका जनसंवाद कार्यक्रम चलता था उसमें गए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी थी तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम गेस्ट को होस्ट बनाएंगे, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी का उस वादा का क्या हुआ। हमने तो उनके सपनों के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, 10-10 साल, 15-15 साल दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि हम गेस्ट को होस्ट में बदलेंगे, पता नहीं ये सपना उनको कैसे भूल गए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने लेटर हेड पे सिफारिश लेटर लिख के दिया था विभाग को कि इन लोगों को समायोजन की प्रक्रिया की जाए, लेकिन वो चंद ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया था। अभी वर्तमान के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी, हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोग 2-2 बार, 3-3 बार जाके उनसे मिलने का काम किया, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार आएगी हम आप लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज जब उनकी सरकार बनी है तभी सरकार बनने के बाद भी हम लोग जाके उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिए, लेकिन एक तरफ रोजगार दिया गया लेकिन
कई हमारे साथियों को कॉलेज से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कई लोगों को निकाला जा रहा है। अब हम लोग की स्थिति यह है कि जो हमारे साथी निकाले जा रहे हैं, जो 10 साल 15 साल नौकरी किए हैं, वो कहाँ जाएंगे। अगर ये एक धरना दो दिवसीय धरना नहीं है, हमारे मंच और मंच के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं अपनी सरकार को कि ये दो दिवसीय धरना नहीं है, ये धरना कब आंदोलन में बदल जाएगा आप इसके लिए देखते रहिए। ये धरना दो दिवसीय से हम आमरण अनशन पे चले जाएंगे, ये धरना को आगे बढ़ा के आंदोलन में बदल देंगे, लेकिन हम इस पर अब चल दिए हैं तो हम बैक नहीं होंगे। और आपका जो है कि आप रोजगार देने का दीजिए ना रोजगार, आप जो अभी भी इसके बावजूद भी जो आप नियमित ला रहे हैं उसको लीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा जितना है इसको समायोजन कीजिए, उसके बाद भी तो सीट वैकेंट बच रही है, उस सीट वैकेंट पे आप बहाली कीजिए ना, UPSC से ला के भर दीजिए, BPSC से भर दीजिए, कहीं से भरिए, लेकिन हम जो अपना इतना दिन जो समय दे दिए, हमारे सर हैं अध्यक्ष हैं, हम इनके पढ़ाए हुए हैं और हम इनके कॉलेज में आ गए, हम भी पढ़ा रहे हैं, इनका क्या उम्र कितना चला गया उम्र, ये किस वैकेंसी को भरेंगे आप बतलाइए। मैडम पूरा जवानी दे दिए, अब कहाँ जाएंगे, हम लोग ईटा उठाने जाएं, रोजगार के नाम पे हम कचरा उठा जाएं, मल उठाएं, जो हम लोग से हम लोग का कलम का सहारा लिए, हम उठाने का ताकत लगते हैं, हम लाठी नहीं उठा सकते हैं, ईंट नहीं उठा सकते हैं, हम महिला नहीं उठा सकते हैं। यही हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुने और हमारे बातों को रखें, और कुछ नहीं, धन्यवाद। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम देखिए, तेजस्वी जी वादा किए थे 10 लाख नौकरी का, एक तरफ तो नौकरी दे रहे हैं, BPSC के थ्रू लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर को आप बहाल कर रहे हैं, और उतना ही कहे तो उससे भी ज़्यादा दूसरे तरफ नौकरी से निकाल रहे हैं, ये कहाँ का आप जॉब दे रहे हैं साहब, आप तो उससे ज़्यादा को बेरोजगार कर रहे हैं। आप अपने जन्मदिन पे बड़ा सा बैनर पोस्टर में लगा दिए नियुक्ति पत्र, लेकिन एक तरफ नियुक्ति किसी का छीन रहे हैं ना मैडम, वो जो बेरोजगार लोग हैं वो कहाँ जाएंगे अभी भी। इसलिए हमारा सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, सुन लिया जाए, समायोजन कर दिया जाए, वरना मजबूरी में हम सभी अतिथि व्याख्याता, अतिथि सहायक प्राध्यापक को यह आंदोलन कंटिन्यू करना पड़ेगा। सिर्फ रोड ही नहीं, स्कूल कॉलेज और सदन तक ये आंदोलन हमारी जाएगी, ये समाज उनके बाद। धन्यवाद। कुछ कहने मैम, देखिए जो हमारी अभी स्थिति है ना, कुछ समय पहले ये सरकार की स्थिति थी, क्योंकि पहले गठबंधन की सरकार थी, अब इन्होंने नाम दे दिया महागठबंधन, तो जब गठबंधन तोड़ के इन्होंने महागठबंधन किया तो इन्होंने जो भी माननीय मंत्रीगण है जो पहले से जिस पद पे थे उनको उसी पद पे रखा और रिक्त पद पे नए मंत्रीगण को स्थापित किया गया। तो हमारी भी मांग यही है कि हम पहले से जो कार्यरत हैं हमारे को उसी पद पे रखा जाए और जो रिक्त पद बच रहा है उन पे आप नए ज्वाइनिंग्स कराए और हमें समय नियोजन किया जाए। तो देख सकते हैं आप लोग के पास भी आ रहे हैं, तो देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से जो असिस्टेंट टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे, और साफ तौर पर इनकी मांग है कि इन्हें हटाया जा रहा है और सरकार इन्हीं की जो लोगों की नियुक्ति है वो कर रही है और इन्हें हटा रही है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।